उज्जैन के कोटे रोड पर बलाई समाज का उच्च शिक्षित दूसरे वर्ष में युवक युवती परिचय सम्मेलन किया गया, जहां पर उज्जैन संभाग के बलाई समाज के समाजजन और युवक युवती और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। इस परिचय सम्मेलन में जहां पर मंच पर पहुंचकर युवक और युवतियों ने अपने परिचय दिए और इनके वैवाहिक संबंध पक्के हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में समरसता और भाईचारा बना रहे, उसी को लेकर यह सामूहिक परिचय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। किस प्रकार से लोगों को जोड़ने का काम करता है, समाज में समरसता लाता है, किस प्रकार से क्या रहता है? ये हमारी 93 से भलाई ज्योति संदेश पत्रिका की शुरुआत हमारे सराना तहसील से हमारे नौरंग जनरल जी नौरंग राजा राम जी लांगी और हम लोगों ने मिलकर के शुरुआत की थी। और निरंतर ये पत्रिका जो है आज तक जो है अभी वर्तमान में जो है यह कम से कम 3 राज्य में ये चल रही है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और अन्य राज्य में भी पहुँच रही है। तो इस पत्रिका के माध्यम से तो पत्रिका के हमारे संपादक जो हैं और हमारे कार्यकारिणी के सभी सम्मानित साथीगण हैं, उन्होंने उन लोगों ने मिलकर के ये ऐसा ऐसी शुरुआत की है कि जिसके माध्यम से जो बृहद रूप से यहाँ पर परिचय सम्मेलन हो रहा है समाज में, जब पत्रिका पहुँची और पत्रिका पहुँचने के बाद में जब परिचय सम्मेलन की जो शुरुआत की इससे, तो इससे कई रिश्ते जुड़े हैं और कई रिश्ते भी जुड़े हैं और कम खर्च में शादी हो इस संबंध में भी हमारे पत्रिका का जो मुख्य उद्देश्य वो भी है और अच्छे लोग आपस में जुड़े और अच्छे अच्छे युवा युवतियाँ आगे बढ़े, क्योंकि मंच पर आकर के अपना परिचय देना, युवकों युवतियों को परिचय देना ताकि सामने वाले को अन्य लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। तो ये जो हमारा बलाई ज्योति संदेश पत्रिका के माध्यम से हमारी बहन मैडम निर्मला जी रोकड़े ने भी काफ़ी अच्छा इसमें सहयोग किया है। अभी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का हम लोगों का सम्मान भी किया है, सभी परिजनों का सम्मान इन्होंने किया है और पिछले साल भी इन्होंने सभी को संविधान भेंट करके सम्मान सभी लोगों का किया है। तो निरंतर इसमें अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो समाज सुधारक जो लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोग हैं, वो निरंतर इस पत्रिका से जुड़ रहे हैं और आगे इस पत्रिका को बढ़ा रहे हैं। तो इसी संबंध में आज यहाँ पर जो परिचय सम्मेलन जो रखा गया है और पत्रिका का जो बलाई ज्योति संदेश पत्रिका का जो विमोचन हुआ है, तो ये जो हुआ है इसी तारतम्य में हुआ है। तो मैं सभी को आज यहाँ पर पधारे हुए सभी नवयुवक युवतियों ने जो परिचय दिया और अतिथि यहाँ पर पधारे, सभी हमारे जो पत्रिका के सभी साथियों पधारे, इन सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारा भलाई संदेश पत्रिका जो है निरंतर हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में ये पहुँचे और समाज को और ऊंचाई दे और शिक्षित बनाए, संगठित रहे और संगत के साथ आगे बढ़ने की काम मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। साहब बताइए, जो कार्यक्रम है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य रहता है और किस प्रकार से क्या रहा? विगत 5 साल से हम भलाई समाज ज्योति संदेश पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं और समाज के प्रबुद्ध जनों की मांग पर गत वर्ष से उज्जैन में ये परिचय सम्मेलन हमने आयोजित करना शुरू किया है। गत वर्ष भी हमारा कार्यक्रम सफल रहा और इस वर्ष भी लगभग सफलता की ओर है और लगभग उच्च शिक्षित 94 बच्चे बच्चियों ने इसमें भागीदारी की है और पूरे आल MP से यहाँ तक कि निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, राजस्थान तक से बच्चे यहाँ पर आए हैं। ये प्रांतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन हमारी समस्त भलाई समाज ज्योति संदेश कार्यकारिणी की ओर से आयोजित हुआ है। मैं समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें अपना अमूल्य सहयोग दे करके जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही समाज जनों का स्नेह भी इस पत्रिका के प्रति अपार है, 1000 प्रति तीसरे महीने, और इसी के कारण आज ये विशालतम आयोजन पूरा होने जा रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।